आज जो मैंने रेसिपी बनाई है इसमें बीटरूट, कर्ड और पोहा तीनों ही चीज़ें डाल के बनाई है, और जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। इसके लिए मैंने पोहे को 2 से 3 बार बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिया और फिर इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। अब हम एक डोंगे के अंदर लेंगे 4 से 5 चम्मच दही। दही हमारी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, यानी उसके अंदर पानी पानी ना हो। अगर आपकी दही में थोड़ा पानी ज़्यादा है तो आप उसको करीबन आधे घंटे के लिए किसी कपड़े में टांग देना, तो उसका सारा पानी निकल जाएगा और उसको फेंट लेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच मलाई। आप मलाई या क्रीम कुछ भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, पर अगर आप इसके अंदर क्रीम या मलाई कुछ डालेंगे तो उससे इसके अंदर एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और इसको भी अब हम फेंट लेंगे। अब हम दही के अंदर मिलाएंगे 2 चम्मच बीटरूट, इसको मैंने बारीक काट लिया था, और साथ में ही डालेंगे 2 चम्मच गाजर, इसको भी बारीक काट लिया था, और साथ में डालेंगे 2 ही चम्मच प्याज। ये जो हम इसमें सब्जियां डाल रहे हैं आप इनको थोड़ी थोड़ी सी बचा लेना, सारी ना डालना। और इसी के साथ डालेंगे 2 टमाटर। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे और जो उसका स्किन वाला पार्ट था वो डाला है। अब इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच सब्जा के बीज, इसको मैंने 2 घंटे पहले भी वो भी इसमें मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च। ये सब चीज़ें डालकर सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पोहे को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, यानी पोहा भी अब हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब पोहे को भी हम दही के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम पोहे के लिए बनाएंगे एक तड़का। हम उसके लिए तेल गरम करेंगे, उसमें मिलाएंगे थोड़ी सी सरसों, करी पत्ता और मूंगफली। जब ये सारा सामान हमारा थोड़ा सा पक जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सब्जियाँ जो हमने बचाई थी। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी प्याज, गाजर और टमाटर, और साथ में डाल देंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। बस सारा सामान डाल के करीबन आधे मिनट के लिए हम सारी चीज़ों को पका लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी सी देर इसको हिलाते हुए छोड़ देंगे, यानी जब तक हमारा सामान ठंडा हो रहा तब तक हम इसको छोड़ देंगे। अब सारा सामान हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम सारे सामान को पोहे वाले बैटर के अंदर डालेंगे और अच्छे से सारे सामान को मिला देंगे। लीजिए अब हमारी कर्ड, पोहा और बीट रूट की एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं और जिनकी समझ में नहीं आता जल्दी से क्या वो टेस्टी और हेल्दी खाएं, ये उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना।